दोस्तों अनिनी में एट प्रेजेंट टूरिज्म बढ़ने के वजह से होमस्टेज होटल्स लॉजेस का कमी नहीं है। गूगल में आप होमस्टेज होटल्स इन अनिनी करके सर्च करोगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएगा, बट जब तक आप इन होटल्स होमस्टेज का वीडियो नहीं देखोगे तो फील नहीं आएगा। वेल, इन सभी होटल होमस्टेज का तो वीडियो मेरे पास नहीं है, बट मैंने जितना हो सके होमस्टेज एंड होटल्स का इन्फॉर्मेशन निकाला फ्रॉम अनिनी हट होमस्टे, कॉन्गो होमस्टे, टाकिन होमस्टे, ड्रियाफ्रा कैंप साइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा आज के वीडियो में। बट सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग कहाँ रुके थे। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम अनिनी। सो इफ़ यू गाइज कम टू अनिनी एंड यहाँ पे अगर आपको कहीं पे रहना है देर आर मैनी ऑप्शंस, बट जहाँ पे हम रुके हुए हैं होटल और द पाइन वैली होमस्टे, आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ पाइन वैली होमस्टे और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, रूम कैसा है वो सब भी दिखा देता हूँ एंड कितना पैसा लगता है वो भी दिखा दूँगा, फ़ोन नंबर सब कुछ दे दूँगा। पार्किंग एरिया है, देर इज़ नो प्रॉब्लम विद द पार्किंग एरिया, इतना बड़ा पार्किंग एरिया है। एंड अगर रात को इफ़ यू गाइस वांट टू डू बॉनफायर, आग जलाना चाहते हो तो यहाँ पे बन सकते, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए पूरा जगह है, आग लगा के आप लोग बैठ सकते हो, जो भी आपको करना है कर सकते हो, ना टेंशन नहीं है। अभी रूम के अंदर जाके थोड़ा सा दिखाते हैं रूम कितना कहने का ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन देने हमारे सो रूम आप लोगों का ऐसा है, मतलब एक्स्ट्रा बेड लगा देता है और हाँ वहाँ पे बाथरूम भी है, वेस्टर्न टॉयलेट है सर, वेस्टर्न टॉयलेट एंड एक्स्ट्रा चार्ज लोचे नहीं बेड लगाने एक्स्ट्रा चार्ज लोचे 2000 600 डॉलर लोचे एता मानो ना ना अमी एक दो लोग दो दूरात मानो रही तो मैं दो टन ओके। सो रूम आप लोगों ने देखा, एक रूम ये है, इस तरफ आएंगे तो रूम आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हम लोग का रूम था, हम लोगों ने सोया बहुत ही कोजी तरीके से, कंबल का कोई मतलब वो नहीं है, डेफिशिएंसी नहीं है, बहुत ही कंबल वम्बल मिल ही जाता है। देखिए कितने सारे कंबल्स हैं कंबल के साथ और रूम भी बहुत साफ़ है। अभी थोड़ा सा हम लोग कल बारिश हो गया तो थोड़ा सा गंदा हो गया, अदरवाइज़ हर एक रूम पे यहाँ पे टीवी लगाया हुआ है और टीवी में केबल भी है, मतलब आप लोग केबल भी देख सकते हो अगर आप लोग टीवी देखने में इंटरेस्टेड हो। एंड यहाँ पे भी दो बेड है, एक्चुअली ये रूम दो लोगों के लिए है, बट अगर आप एक्स्ट्रा आते हो तो 300 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, रेट्स में आप लोगों को पूरा बाद में बताऊँगा। ये एक्चुअली एक बड़ा सा नहीं तो ये एक किचन तरीके का ही है, अगर आप अपना गैस वैस लेके आते तो बना सकते हो, अदरवाइज यू कैन यूज़ इट एज अ स्टोर रूम और कुछ भी। बाथरूम इस तरह का है, साफ है सुथरा है और हम लोगों ने गंदा किया है बाय द वे, अभी बाहर इतना कीचड़ है क्या करें। और आपका गीज़र भी है, गर्म पानी होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और आप लोग आराम से नहा सकते हो। इस साइड भी एक रूम है, वो लोग हमारे दोस्त लोग सोया हुआ है, ये स्टाफ का रूम है, अंदर खाना वाना यहीं पे बनता है। ऊपर वीआईपी रूम है, वो वीआईपी रूम आप लोगों को दिखाता हूँ जो हम लोगों को दिया था पर हम लोगों का पैसा नहीं मिला। जो वीआईपी रूम है ना, ये भैया लोग वहाँ पे रुके हुए हैं, कहना रूम रूम क्या लो सर 4000 लिया है, 4000 इसलिए लिया है क्योंकि ये लोग चार लोग हैं, अदरवाइज तीन लोग चार हज़ार लोसे मैंने एटा अलमोस्ट हम बेसिके लैसे इनफेक्ट कारण आम एक रूम लाकिली पाल एक हमारे एट मानुर 1000 टकाके और कि आम तक आम एने निदूँ दूटा एक्सट्रा आसे न दूटा एक्सट्रा आम 2000 टकत चार आज जो दे विचना एक्सट्रा लगवा ना लगे लगवा ना इनके दी दिले मालिक तो भल ये मालिक এম পি কেণ্ডিডেট আম আদমীৰ পৰা উঠিব ৰুমটো এনেকৈ দেখাব পাৰিম নে একো নাই লেতেৰা শুই আছে নহয় এইবাৰ ৰুম দেখা দেতা ঠিকে অই ভাইটি উঠিলা ই হে ৰুম ই ভি ভি আই পি ৰুম হে বোল ৰাই এণ্ড চোফা বি দিয়া হয় বেড পূৰা
किंग साइज बेड टाइप का पर दो लोग यहाँ पे सोए है दूटा हुई तीन टा तीन जन थकिल और तीन जन याते हुई सर एक्स्ट्रा बेड नलगल एक्स्ट्रा बेड नलगल तीन जन हो गए सर नलगल ओके यहाँ पे सोफा फा लगा है बाथरूम तो बढ़िया ना बाथरूम बढ़िया चलो बाथरूम और टीवी भी सब कुछ लगा हुआ है तो इस रूम का 4,000 रुपये ले रहा है इन लोगों से वैसे 3,000 रुपये है अगर तीन है यहाँ पे तो 1,000 रुपये इन लोगों से एक्स्ट्रा लिया है सर अनिनी में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बिकॉज हर चीज़ नीचे से आता है खाना वाना जो भी है आप लोग का जो मालिक है उसने मुझे बताया था गोभी तो किमान नाम कैसे गोभी जो टमाटर किमान नाम बोली कैसे यार किमान नाम बोली कैसे क्या राखी दोगा टमाटर দুটা কবি নাই হ্যাঁ সো এ কি হর চিজ এক্সপেন্সিভ হ্যাঁ ইসিলিয়ে ইয়া পে রেট পে সব কুছ এক্সপেন্সিভ লগতা হ্যাঁ ইয়ে যে রেট বতায়ে না উসমে খানা ইনক্লুডেড নেই খানা ইনক্লুডেড নেই থা না হামলোগ तो हम लोग का दो दिन में हम लोगों को ऑलमोस्ट 6,500 के आसपास पड़ा एंड खाने में जो हम लोगों ने मंगवाया था वही मतलब एक एक्स्ट्रा थाली अगर लेते हैं तो 250 से 300 के बीच में लेते हैं और कुछ भी खाना एक्स्ट्रा है तो पैसा तो लगेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अदरवाइज़ यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है वाईफाई नहीं है अगर आपके पास एयरटेल का पोस्टपेड या प्रीपेड है तो आप लोगों का चल जाएगा यहाँ पे और यार जियो ना चला ना जियो 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 चल रहा है क्या ना। जियो ना है ना BSNL ओके तो नेटवर्क खाली यहाँ पे BSNL एंड एयरटेल का ही चलेगा सो इफ़ यू गाइस वांट टू कम हियर मैं आप लोगों को नंबर दे दूँगा मालिक अभी नहीं है मालिक से मिलवाता नहीं तो बाय द वे हिज नेम इज़ बंदे मेली वो इस बार लास्ट टाइम भी MP के कैंडिडेट थे पर हार गए थे पर इस बार फिर से आम आदमी की तरफ से वो खेल रहे हैं जीतेगा तो अच्छा है हम लोगों ने पार्टी भी किया था मिला भी था जब पहला वाला वीडियो था उसी में था तो यहाँ इफ़ यू गाइस वांट टू कम टू द पाइन वैली होम स्टे मैं नंबर दे दूंगा आप लोग यहाँ पे बिंदास आइएगा एक बार फ़ोन कर लेना क्योंकि थोड़ा सा नेगोशिएशन हो सकता है और एक चीज़ बोलना भूल गया था आई एम सो सॉरी और एक चीज़ बोलना भूल गया इट्स अ डॉग फ्रेंडली होम स्टे ये देखिए हमारी बेला भी यहाँ पे बैठी हुई है ये बिंदास आराम से बेड पे सोया है मालिक ने खुद बोला है कि आप उसको बेड पे सुलाओ कहीं भी सुलाओ कुत्ता तो कुत्ता है कोई टेंशन नहीं है बाकी जगह में ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है गाइज होटल पाइन वैली का आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गया बट एक बार फिर से मैं आप लोगों को प्राइसेस के बारे में बताना चाहता हूँ देखिए ये जो रूम हमें दिया गया था वो जो दो बेड थे तो बेसिकली आप अगर सोलो जाते हो या तो दो बंदा जाते हो तो यहाँ पे दो बेड में आप लोगों को सिंगल सिंगल पर्सन 1,000-1,000 रुपीज पड़ेगा मतलब वहाँ पे ऐसे ही मेंशन किया था एक चार्ट लगा हुआ था अगर आपके साथ तीन बंदा जाते हो और वहीं पे रहना चाहते हो तो उसका एक 300 रुपये एक्स्ट्रा लेगा मतलब आपको 2,300 रुपये पड़ेगा अगर आप लोग हमारी तरह नेगोशिएट करते हो तो 500 रुपये का पर पर्सन का हो सकता है हम लोग 4 जन गए थे उसी रूम पे रुके थे एक एक्स्ट्रा बेड लगाया था पर 2,000 रुपये में हम लोगों का पूरा सेटल हो गया था 4 लोगों का तो अगर आप लोग नेगोशिएट करोगे तो आप लोगों को मतलब मिल जाएगा सस्ते में कुछ कन्फ्यूजन है मुझे मैसेज कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मैं आपको रिप्लाई करूंगा नाउ अनिनी में कुछ और होमस्टेज एंड होटल्स वगैरह है तो उनका मैं फोटोज आप लोगों को दिखा के थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस ओवर दे के आप लोगों को मैं फ़ोन नंबर वगैरह दे दूंगा सो डेट इसी वीडियो में आपको पूरा होमस्टेज एंड होटल्स का इन्फॉर्मेशन मिल जाए आप लोगों को बार बार छानते नहीं रहना पड़ेगा देखिए सारे होटल्स का तो मैं वीडियो नहीं बनाया बट एटलीस्ट फोटोज एंड इन्फॉर्मेशन मतलब कहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो फेसबुक आईडी लिंक वगैरह सब कुछ मैं देता हूँ चलो आगे इस वीडियो में वो सब इंक्लूड करते हैं ओके दोस्तों सबसे पहले मिशमी टाकिन होमस्टे से शुरू करते हैं इस बार मौका नहीं मिला बट अगर नेक्स्ट टाइम जाता हूँ तो डेफिनेटली मैं एक बार टाकिन होमस्टे में रुकना चाहूँगा द प्रॉपर्टी इज़ ब्यूटीफुल एंड पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं टाकिन होमस्टे में इसलिए रुकना चाहूँगा बिकॉज ऑफ दिस ड्रम सेट क्योंकि मैं एक टाइम पे ड्रम बजाता था तो मुझे काफ़ी मन है कि ये ड्रम सेट देख के मुझे काफ़ी टेम्पटिंग लगा एंड इसीलिए मैं चाहूँगा कि मैं टाकिन होमस्टे में एक बार जाऊँ और इस ड्रम सेट को बजा सकूँ एंड यहाँ पे गिटार भी है लाइब्रेरी है विद सिटिंग एरिया ये कॉमन एरिया नया वाला हाउस में है एंड ये वाला चांगर में है सो इट्स क्वाइट कोजी एंड ब्यूटिफुल एम्बियंस है एंड टाकिन होमस्टे फार्मिंग भी करता है सो खाना तो ऑर्गेनिक मिलेगा ओवरऑल दिस प्रॉपर्टी इज़ ब्यूटिफुल नाउ लेट मी शेयर द नंबर
ओके दोस्तों, मिशमी टाकिन होमस्टे का दो नंबर्स मेंशन किया है इंस्टाग्राम हैंडल में, जो है 9233896998 और एक है 9354409323। आप लोग फ़ोन करके बाकी का इन्फॉर्मेशन खुद से ले सकते हो। नाउ मिशमी टाकिन होमस्टे का इंस्टाग्राम हैंडल कुछ इस तरह का दिखता है, बट फेसबुक में टाकिन होमस्टे का पेज नहीं मिला। एनीवे, मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। वैसे मिशमी टाकिन होमस्टे का गूगल रेटिंग अनिनी में सबसे ज़्यादा तो नहीं, एक कम है, वो बाद में बताऊंगा। ये है 4.8 out of 5 एंड 99% ऑफ रिव्यूज आर पॉजिटिव एंड इट्स हाईली रेकमेंडेबल। गाइज, अभी द्री आफ्रा कैंप साइट के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। द्री आफ्रा कैंप साइट दोस्तों बहुत ही फेमस है। ये जो सीटिंग एरिया बना के रखा है, ये एक तरह का द्री आफ्रा कैंप साइट का आइडेंटिटी है। जो भी लोग अनिनी आता है, एटलीस्ट द्री में घुस के एक बार यहाँ फोटोज जरूर खींचता है, जिनको भी पता है, क्योंकि ये एक कैंप साइट है। सो इनका अपना टेंट्स है एंड साथ में आप अपना भी टेंट्स लगा सकते हो। द्री रिवर बैंक्स में लोकेटेड है द्री आफ्रा कैंप साइट, इसीलिए नेम द्री रिवर से ही इंस्पायर्ड होके द्री रखा गया है। एंड द्री आफ्रा कैंप साइट में ट्रैकिंग, साइकिलिंग, राफ्टिंग, शॉर्ट डिस्टेंस हाइक्स भी करवाते हैं। एंड द्री आफ्रा कैंप साइट सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों में ही एक्टिव है, दोनों में अकाउंट है इनका, आप लोग चेक कर सकते हो। मैंने फेसबुक से नंबर निकाला है, आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, जो है 6909504893। एक दूसरा नंबर भी है 8133839667। नाउ इफ़ यू वांट टू गो टू द्री आफ्रा कैंप साइट, आप इन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हो और बाकी का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। एंड द्री आफ्रा कैंप साइट में गूगल रेटिंग है 4.7 विच इज़ वेरी गुड एंड देर आर 37 रिव्यूज़ एंड ऑल द कॉमेंट्स आर पॉजिटिव। खाली एक ने कमेंट किया है कि यहाँ डिम डैम फ्लाइज है, वही फ्लाइज जहाँ से आपको काटने से पहले पता नहीं लगेगा, बट बाद में आप खुजाते खुजाते आपके स्किन से ब्लड निकलना शुरू होगा। सो इफ़ यू विजिट द्री आफ्रा कैंप साइट, आप अपने स्किन को ढक के रखिएगा। बाकी आप अपना डिसीजन खुद से ले सकते हो, इनको फ़ोन करके आप लोग अपना बुकिंग करवा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं अनिनी हट होमस्टे। अनिनी हट होमस्टे का लोकेशन बहुत ही अच्छे जगह में है, क्योंकि मैंने खुद देखा है। हम लोग रुके हुए थे होटल पाइन वैली में एंड वहाँ से अनिनी हट होमस्टे दिख रहा था, काफ़ी ऊपर था, बट हम लोग वहाँ पे गए नहीं थे। यस एंड इट वाज अमेजिंग, मतलब वहाँ पे पूरा आपको वैली दिख सकता है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का कॉटेजेस के बारे में बता देता हूँ। ये वुडन वाले कॉटेजेस में मैक्सिमम आई थिंक 2 लोग रुक सकते हैं एंड सामने जो ज़मीन है आप लोग टेंट्स पिच कर सकते हो। ये वाला सेमी लग्जरी कॉटेजेस हैं एंड ये वाला जहाँ बुखारी लगा हुआ है, ये वाले कॉटेजेस हैं। एंड अनिनी हट होमस्टे का मिक्स्ड रिव्यूज़ है। आप लोग जब भी होमस्टे सर्च करते हो, फर्स्ट थिंग इज़ हमेशा रिव्यूज़ पढ़ के जाना। अनिनी हट होमस्टे का 90% रिव्यूज़ अच्छे हैं एंड किसी किसी को अच्छा नहीं लगा। वैसे प्रॉपर्टी एंड लोकेशन तो बहुत सुंदर है। वैसे अनिनी हट होमस्टे का पेजेस बोथ इन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों में है, आप लोग दोनों में जाके जस्ट आपको टाइप करना है अनिनी हट होमस्टे, आपको निकल जाएगा। एंड नाउ लेट मी शेयर अ नंबर 6033870061। ये नंबर मैंने इंस्टाग्राम से निकाला है एंड फेसबुक में भी सेम नंबर है। सो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके बाकी का इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। दोस्तों नाउ लेट मी शेयर सम इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉन्गो होमस्टे। नाम अच्छा लग रहा है, कॉन्गो होमस्टे देख के पूरा होम वाला फीलिंग आ रहा है। मतलब जैसे हमारे असम टाइप में असम टाइप का घर होता है ना, बिल्कुल उसी तरह लग रहा है। बस डिफरेंस ये है कि हम लोग के यहाँ पे कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स होते हैं, मतलब कॉन्क्रीट होता है, और यहाँ पे बिल्कुल वुडन वाले हैं, तो ऑब्वियसली पूरा एथनिक फीलिंग दे रहा है। जस्ट दैट यहाँ पे घर को थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है। एंड देखिए, अरुणाचल में कोई भी होम स्टे हो, पार्किंग का जगह तो बहुत मिल जाता है, बिकॉज दे मोस्टली हैव ह्यूज प्रॉपर्टी। एंड इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है अनिनी में। इनफैक्ट एक अगर आप BSNL या तो एयरटेल पोस्टपेड का नेटवर्क मिल जाएगा आपको, तो आप लोग कॉल लगा सकते हो और कभी कभी इंटरनेट लग सकता है। वैसे इंटीरियर ऑफ कॉन्गो होमस्टे इज़ ब्यूटीफुल, फोटोज़ में गेस्ट काफ़ी खुश लग रहा है। इनफैक्ट कॉन्गो होमस्टे में बंग बेड्स भी है, सो आई थिंक इसमें प्राइस रीजनेबल कुछ हो सकता है, वो आप लोग पूछ के पता चल जाएगा, मैं नंबर देता हूँ आगे। एंड कॉन्गो होमस्टे का फेसबुक में पेज है बट इंस्टाग्राम में नहीं है, मैं नंबर शेयर कर देता हूँ 9402457346। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ 9402457346। आप इन पे यू कैन कॉल एंड गेट द रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ओनर। गूगल रेटिंग ऑफ कॉन्गो होमस्टे इज 4.9 है, सबसे ज़्यादा है। एंड देर आर 21 रिव्यूज़, सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट्स पढ़ो, बाकी आप लोग खुद डिसाइड कर ही सकते हो।
अब आते हैं आज के लास्ट होमस्टे जो है अंजालो होमस्टे के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। देखिए इतना मुझे प्रोवाइडेबल इमेजेस जो है वो मैं नेट से मुझे नहीं मिला, ना ही गूगल में था, ना ही इनके फेसबुक पेज में इतना ज़्यादा था। तो जो मुझे नेसेसरी जो मुझे इमेजेस मिला मैं वही आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इट्स अ स्मॉल होमस्टे बट आई वुड एनी डे प्रेफर गोइंग टू अ होमस्टे लाइक दिस देन द वेरी कॉमर्शलाइज्ड वंस, बिकॉज यहाँ पे सर्विसेज बहुत ही अच्छे होते हैं, हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छा होता है। मैं आप लोगों को फ़ोन नंबर दे देता हूँ जो कि है 9233997172। आप लोग बस फ़ोन घुमाइए एंड बाकी आप डिसाइड कीजिए। वैसे अंजालो होमस्टे का रेटिंग गूगल में 4.9 है, सबसे ज़्यादा है, एंड रिव्यूज़ 15 के 15 लोगों ने 5 स्टार दिया है। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द हाईली रिकमेंडेड होमस्टे जो आप लोग जा सकते हो, आप यहाँ पे रह सकते हो। तो फ़ोन घुमाइए और आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिए बाकी। गाइज देयर आर 10 मोर होमस्टेज इन अनिनी जो गूगल में लिस्टेड है, एंड देर आर मैनी, बहुत ऐसा है कि गूगल में लिस्टेड नहीं है, जैसे कि पाइन वैली होटल जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, होटल पाइन वैली, वो गूगल में लिस्टेड नहीं था। हम लोगों को वहाँ पे जाके एक बैनर में दिखा, नंबर दिखा, तो हम लोग वहाँ पे चले गए थे। हम लोग गूगल में पहले ही चेक नहीं किया था, बहुत लोग रैंडमली ऐसे चले जाते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं जितना हो सके फ़ोन नंबर्स यहाँ वहाँ से कलेक्ट करके, डाटा कलेक्ट करके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जो 10 मोर होमस्टेज जो गूगल में लिस्टेड है वो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इनफैक्ट सब के सब होमस्टेज इस वीडियो में जो दिखा है, सब के सब मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको सीधा फ़ोन नंबर वहाँ से निकालना है और फ़ोन करना है। आप गूगल में भी देख सकते हो, बस गूगल में आपको टाइप करना है होमस्टेज इन अनिनी, तो आप लोग को पूरा लिस्ट निकल जाएगा। पर गूगल में यही प्रॉब्लम है कि आप लोग को बहुत सारे लिंक्स क्लिक करना पड़ेगा, तभी आप लोग फ़ोन नंबर निकाल पाओगे। मैंने सब निकाल के अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हो। नाउ अगर आप लोग कहीं पे भी घूमने जाते हो, अनिनी हो, मचुका हो, डोंग हो, कहीं पे भी, हिमाचल कहीं पे भी, एक चीज़ करना आप ना भूलिए, क्योंकि आप लोग पहले से अगर प्लान करके जाते हो तो आप लोग हमेशा होटल होमस्टे देख लेना कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, अनिनी में क्या है। अगर है, अगर आप लोग को लगता है कि पहले से आप लोग देख सकते हो, तो रिव्यूज़ जो है ना, रिव्यूज़ जरूर 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 पढ़ना, क्योंकि रिव्यूज़ से आप लोगों को एग्जैक्टली पता चलेगा कैसा है, क्या है, बेसिकली सब कुछ पता चलेगा। तो रिव्यूज़ रियली हेल्प्स। सो यही था गाइज, आपको जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता था मैंने अपने इस वीडियो में दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी काम का लगा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जॉय आई होम।